आज के टाइम में हम सब ने एक ब्रांडेड क्लॉथ्स यूज करे हैं और बहुत सारे ब्रांडेड क्लॉथ्स नए नए निकल करके आ रहे हैं मार्केट में। लेकिन क्या आप जानते हैं उस इंडियन कंपनी के बारे में जो इसके पीछे है और धीरे धीरे अपना बिजनेस को बढ़ाते जा रही है, और आने वाले समय में ये एक काफ़ी अच्छी लीडिंग पोजिशन पर आ सकती है। आज के मल्टीबैगर और पेनी स्टॉक के वीडियो में हम एनालाइज करेंगे ऐसे स्टॉक के बारे में जिनका बिजनेस काफ़ी तेजी से ग्रो कर रहा है, और उसका नाम है विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड, जिसका कि NSE पर टिकर सिंबल है VISHAL, विशाल। तो चलिए देर ना करते हुए इस स्टॉक के बारे में जानते हैं। विशाल फैब्रिक्स लिमिटेड अपने वेरियस टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स जैसे कि डेनिम फैब्रिक्स, कॉटन फैब्रिक्स और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है, और ये प्रोडक्ट्स को आगे सप्लाई भी करती है, जिससे कि कंपनी का बिजनेस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी फैला हुआ है। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो कंपनी मेनली ग्रे फैब्रिक्स और डाई प्रोड्यूस करती है, फिर उसे क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाई करा जाता है और प्रिंट्स लगाने के बाद फिनिश करके मार्केट में आगे सप्लाई कर दिया जाता है। वो डेनिम और कई और फैब्रिक्स को भी डाई करते हैं, प्रिंट करते हैं और प्रोसेस करते हैं, जैसे कि 100% कॉटन, कॉटन स्पेंडेक्स, कॉटन पॉली, कॉटन पॉली स्पेंडेक्स और भी अलग अलग वेराइटीज़ में। ज्योग्राफिकल स्प्लिट, FY18 में 100% बिजनेस इसका डोमेस्टिक बिजनेस हुआ करता था, मतलब कि इंडिया में ही सबसे ज़्यादा बिजनेस होता था इस कंपनी का, जो कि अब इंडिया में 98% का रह चुका है, और यह अपनी कंपनी को आगे फॉरेन में भी एक्सपेंड कर रही है, जिस वजह से 2% का रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हुआ है और भी अदर कंट्रीज से। कंपनी का प्रोसेसिंग यूनिट नरोल अहमदाबाद गुजरात में है, जिसका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 12 लाख मेट्रिक टन पर एनम का। डेनिम प्रोसेसिंग बिजनेस धोली गुजरात में है, जिसका कैपेसिटी 800 लाख मेट्रिक टन का है। और अब बात कर लेते हैं कंपनी के कौन कौन से बड़े बड़े क्लाइंट हैं देश विदेश में। देखा जाए तो आप लोग ये सभी ब्रांड्स के नाम तो जानते ही होंगे और इसके प्रोडक्ट्स को भी यूज किया करते होंगे। जैसे कि कंपनी के क्लाइंट्स में शामिल है H&M, लेवाइस, जारा, ली, डीजल एंड द रोडस्टर, टॉमी हिल्फ्लायर, कैल्विन, बीन ह्यूमन और भी कई सारे प्रेस्टिजियस क्लाइंट्स हैं, जिसका कि मार्केट में बहुत ही अच्छा प्रेस्टिजियस वैल्यू बना हुआ है और उसे लोग पसंद भी करते हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी ने बोनस इशू किया है उसके बारे में। कंपनी ने 2020 के दिसंबर महीने में 2,19,00,000 शेयर के बोनस इशू करे थे, जिसका कि 2:1 का रेशियो था। अगर आप इस शेयर को लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं और कंपनी अगर बोनस इशू कर देती है, तो आपको इसमें सोने पर सुहागा होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि एक तो ग्रोथ स्टॉक है, अगर उसमें कंपनी बोनस इशू कर देती है तो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा और आपका रिटर्न काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि यह बिज़नेस थोड़ा सा कैपिटल इंटेंसिव और मैन पावर इंटेंसिव है, तो इस वजह से कंपनी ने थोड़े से लोन ले रखे हैं। और आपको बता दें कि कंपनी ने कोविड के समय में 16 करोड़ का लोन लिया था और इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत 52,70,00,000 का और भी लोन लिया था, जो कि कंपनी अपने वर्किंग कैपिटल के स्ट्रेस को कम करने के लिए यूज कर रही है, जिससे कि कंपनी का ऑपरेशन स्मूथ रन कर सके। कंपनी के प्रमोटर शेयर होल्डिंग के बारे में, सावित्री देवी वी त्रिपाल जो प्रमोटर ग्रुप के एक मेंबर हैं, उन्होंने ओपन मार्केट से 10,16,000 इक्विटी शेयर एक्वायर किया है, जिससे कंपनी में प्रमोटर्स होल्डिंग 1.5% से ज़्यादा बढ़ी हुई है, जिससे कंपनी के प्रमोटर शेयर होल्डिंग में 1.5% से ज़्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यह दर्शाता है कि कंपनी के ऊपर प्रमोटर्स का भरोसा कायम है और आगे चल करके कंपनी बहुत ही अच्छा ग्रोथ दिखा सकती है, इसी वजह से कम दामों पर प्रमोटर्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स को एक्वायर कर रहे हैं। फंडामेंटल एनालिसिस, अब अगर फंडामेंटल्स की तरफ ध्यान दें तो यह स्टॉक एक वैल्यू स्टॉक की कैटेगरी में आता है, जिसका 52 वीक का हाई 24.60 रुपये पर है और लो देखा जाए तो सिर्फ 14.20 रुपये पर है। कंपनी का करेंट मार्केट प्राइस 20 रुपये के आसपास में ट्रेड हो रहा है और इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 390 करोड़ से 400 करोड़ के बीच में निकल करके आ रही है, जो कि इसे एक स्मॉल कैप की कैटेगरी में शामिल करता है। और आगे चल करके जैसे जैसे फंडामेंटल्स ग्रो करते हैं तो कंपनी का मार्केट कैप भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा और कंपनी धीरे धीरे मिड कैप और फिर आगे चल करके लार्ज कैप बन जाती है, तो इसके इन्वेस्टर्स को काफ़ी बड़ा मुनाफा होता हुआ दिखेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा गौर करें वैल्यूएशन के टर्म्स में, तो कंपनी का स्टॉक का पी हम लोग को 10 के आसपास का निकल करके आ रहा है, जो कि इसी सेक्टर्स के और सभी स्टॉक के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा कम है। इससे साबित होता है कि कंपनी का वैल्यूएशन अभी काफ़ी ज़्यादा कम है और इंडस्ट्री का एवरेज पी हम लोगों को 26 का दिख रहा है, तो यहाँ से अगर 26 तक का पी देखने को मिलता है तो कंपनी में हम लोगों को 1.5 गुना तक के जंप देखने को मिलेगी और स्टॉक का प्राइस यहाँ से तकरीबन 50 रुपये तक होता हुआ नजर आएगा। इसके प्रोस की अगर बात करें तो स्टॉक बुक वैल्यू के 1.01 टाइम्स पर ट्रेड कर रहा है और कंपनी ने लास्ट 5 सालों में 26% से ज़्यादा का प्रॉफिट CAGR ग्रोथ दिखाया है,
और कंपनी की इफिशियंट कैश कन्वर्जन साइकिल 83 डेज की है, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन कंपनी के इंडस्ट्री एवरेज से काफ़ी लो है। तो डिस्कस करते हैं कंपनी के रिस्क के बारे में। कंपनी ने लास्ट 3 सालों में अपने रेवेन्यू ग्रोथ को काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया है, इस वजह से कंपनी के प्रॉफिट में भी थोड़ी सी कमी देखने को मिल रही है। और लास्ट 5 सालों में सेल्स ग्रोथ केवल 11% के आसपास के नज़र आ रहे हैं। वहीं अगर और भी अदर कंपनीज़ के देखे जाए इसी इंडस्ट्री में, तो थोड़ी सी ज़्यादा नंबर्स बढ़ी हुई है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखा जाए तो कंपनी के प्रमोटर्स ने 0.75% से अपने स्टेक को कम कर दिया है, और FII ने भी अपने स्टेक को 1% से ज़्यादा से कम कर दिया है। अब बारी आती है कंपनी के टेक्निकल्स के बारे में जानने की, जो कि एक स्टॉक ट्रेडर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टॉक ने अपने मूविंग एवरेज को क्रॉस किया है और एक बहुत ही बड़े बुल रन के लिए तैयारी कर रहा है। ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट किया है और अब एक ग्रीन कैंडल बन रहा है, तो यहाँ से हम लोगों को और भी बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है अगर यह ग्रीन कैंडल को आप फॉलो अप करते चलता है। तो ट्रेडिंग्स वॉल्यूम्स में हम लोगों को कंटिन्यूस इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जो हायर अपसाइड पोटेंशियल को इंडिकेट करता है। और आगे आने वाले समय में और भी इन्वेस्टर्स इस स्टॉक की तरफ अट्रैक्ट होंगे, जिससे कि कंपनी का स्टॉक वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ दिखेगा। और कंपनी के स्टॉक प्राइस में हम लोगों को पिछले 5-6 महीनों से लगातार तेजी देखने को मिल रहा है। और देखा जाए तो कंपनी के स्टॉक प्राइस में हम लोगों को लगातार हायर हाई का पैटर्न नज़र आ रहा है, और यह अपने ईयर के हाईएस्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। तो आगे आने वाले सालों में भी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी, और 2024 से 2025 तक में हम लोगों को एक काफ़ी ऊपर के हायर लेवल देखने को मिल सकते हैं। लास्ट टाइम ब्रेकआउट भी 20 रुपये के लेवल से हुआ था, और उसके बाद से काफ़ी बड़ी रैली दिखाने के बाद से थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में जा चुका है। स्टॉक में एंट्री करने की संभावना 20 रुपये के आसपास की निकल करके आ रही है, और स्टॉप लॉस देखा जाए तो 17 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस हो जाएगा। और टारगेट देखा जाए तो इसमें हम लोगों को टारगेट 37, 48 और फिर उसके बाद से हम लोगों को 75 तक के देखने को मिल सकते हैं आगे आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर। ये लेवल्स जहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस में ध्यान दें कि 17 रुपये के नीचे निकल जाता है तो बिल्कुल ही इस स्टॉक से एग्जिट कर जाएं, क्योंकि उसके बाद हो सकता है कि स्टॉक एक बड़े समय के लिए निगेटिव डाउन ट्रेंड में जा सकता है। इस स्टॉक के डिटेल रिसर्च एनालिसिस जानकर आपको कुछ सीखने मिला होगा। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन ऑन कर दीजिए। और इसी तरह के आप इंट्राडे स्टॉक्स और वीकली ब्रेकआउट स्टॉक्स से अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जाकर के आप वीकली ब्रेकआउट स्टॉक्स और इंट्राडे के सभी स्टॉक्स देख सकते हैं। वी आर नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़।